रेडी होते समय अक्सर वार्डरोब के सामने खड़े होकर हम ये सोचने लगते हैं कि आज क्या पहनूं, या जो ड्रेस पहननी होती है वो मिलती ही नहीं है, ढेर सारे कपड़ों के बीच कहीं छुप जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, इट मींस कि आप अपने सारे कपड़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको मेरी छोटी सी ट्रेडिशनल मेटल अलमीरा के टूर में। उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, वेस्टर्न से लेकर एथनिक, डेली वेयर और इवन विंटर वेयर्स को भी इसी छोटी सी अलमीरा में अरेंज करेंगे। साथ ही मैं बताऊंगी कपड़े फोल्ड करने के कुछ टिप्स, कुछ DIY और भी बहुत कुछ। सबसे पहले पूरी अलमीरा को मैंने बेड पर खाली कर लिया है और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसे हम लाइन कर लेंगे किसी भी लाइनर से। पहले मैं न्यूज़पेपर का यूज करती थी, पर इस बार जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, उन्हें अच्छे से ओपन करके फोल्ड करके मैं अपनी अलमीरा में लाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो शेल्फ लाइनर्स का भी यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि ये हमारे पास वेस्ट ही पड़े रहते हैं इसलिए मैं इनका यूज कर रही हूँ। ये थोड़े थिक होते हैं इसलिए ये बेटर वर्क करेंगे। कपड़े निकालते और रखते टाइम ये बार बार हिले नहीं, उसके लिए मैं हमेशा की तरह इसके नीचे डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। नाउ पूरी अलमीरा तो हो गई खाली। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि किस सेक्शन में कौन कौन से कपड़े रखना है। एक रफ लेआउट मैंने बना लिया है अपनी अलमीरा का। हैंगर्स पर मैं अपने सारे सूट सेट्स, उन्हें हैंग करूंगी। उसी के नीचे कुर्तीज एंड कॉट सेट्स, साइड में स्कर्ट्स और पैंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो में सबसे पहले लेगिंग्स और बाकी सेक्शन में पूरे वेस्टर्न वियर्स। सेकेंड रो में विंटर वियर्स और लास्ट में एथनिक वेयर जो वंस इन अ वाइल यूज होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सेग्रीगेशन। लेआउट के अकॉर्डिंग सारे कपड़ों को सेग्रीगेट कर लेंगे। सूट सेट्स को मैं विद दुपट्टा हैंगर पर हैंग करने वाली हूँ, तो हैंगर में सबसे पहले पैंट, फिर दुपट्टा एंड देन कुर्ता सेट कर लेंगे। सिमिलरली रफली मैंने सारे कपड़ों के अलग अलग बंडल्स बनाकर रख दिए हैं, जैसे सारे डेनिम्स, कुर्तीज, टॉप्स, गाउन्स, कॉट सेट्स, सब अलग अलग कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर DIY। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक बास्केट्स का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस की बास्केट बना रही हूँ। मेरे पास कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े थे जिन्हें मैं रीयूज करूंगी। अपनी अलमीरा की शेल्फ की हाइट के अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लिया है मैंने और बस अब इन पर मैं वॉलपेपर स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी फैब्रिक या गिफ्ट रैपिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी परफेक्टली वर्क करता है। ऐसा करने से ना दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और पूरी अलमीरा एक सी दिखती है। अंदर की तरफ प्लेन व्हाइट शीट लगा दिए, नॉर्मल सिंपल A4 साइज वाला पेपर है। सो इस तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ 4 बास्केट्स रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है सारे कपड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करने की। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते समय अगर सभी कपड़ों को डायरेक्ट हम हैंग करेंगे तो स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है। ऑल्दो ऐसा करने से आपके कपड़ों की क्रीज बनी रहती है, पर मेरे पास स्पेस का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैं इन्हें फोल्ड करके रखूंगी। लेगिंग्स को फोल्ड करते समय इस एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर फोल्ड करके वीडियो में जैसा दिखाया है वैसे फोल्ड करेंगे। सिमिलरली हम जीन्स और जेगिंग्स को भी फोल्ड करके रख सकते हैं। एथनिक पेंट्स में क्रीज इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैंने इनकी फोल्ड को थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। टी शर्ट टॉप्स को एक के ऊपर एक रखने की जगह एक बास्केट में फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग रखेंगे। टी शर्ट एंड टॉप्स को जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो उन्हें रखना और निकालना मुश्किल होता है, तो उसकी जगह उन्हें हम एक बास्केट में फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग फोल्ड करके रखेंगे। इसके लिए कुछ इस तरह से मैं टी शर्ट्स को फोल्ड कर रही हूँ। और बस फिर क्या, इन सारे फोल्ड किए हुए आइटम्स को हम इनकी रिस्पेक्टिव बास्केट्स में फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग रख लेंगे। बास्केट्स में ना जब हम इस तरह से कपड़ों को रखते हैं तो बहुत कम स्पेस में ज्यादा कपड़े आ जाते हैं और इन्हें रखना और निकालना भी काफी आसान होता है, और ऐसा करने से क्रीज खराब भी नहीं होती। अगर वेस्टर्न ड्रेसेस को मैं एक के ऊपर एक रखती तो वो बिखरने का डर रहता, इसलिए इस बड़े वाले बॉक्स में मैंने इन वेस्टर्न ड्रेसेस को रख दिया है।
कुर्तीज को मैं एक के ऊपर एक रखना ही प्रेफर करती हूँ। एक्चुअली हर कुर्ती का पैटर्न डिफरेंट होता है और रेयन और जॉर्जेट फैब्रिक को इस तरह से फाइल सिस्टम में रखना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही जब भी आप कुर्तीज को फोल्ड करें तो उसका जो योक एरिया है, नेक एरिया है, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करें, ताकि अगर उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी है या एम्बेलिशमेंट्स हैं वो दूसरी कुर्ती में फंसे नहीं। कॉट सेट्स में टॉप के अंदर ही बॉटम को अरेंज किया है ताकि एक बार इन्हें निकालने से पूरा सेट मिल जाए। सारे जो हैवी एथनिक ड्रेसेस, गाउन्स, शराराज हैं, उन्हें मैं इस तरह के एक बड़े साड़ी बैग में रख रही हूँ, क्योंकि ये हमें कभी कभी लगते हैं और इस तरह से स्टोर करने से ये खराब भी नहीं होंगे। इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग टिप्स और हैक्स मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा हैंडल है स्वाति अर्बन रसोई। नाउ इट्स टाइम फॉर अरेंजिंग द अलमीरा। कुर्ता सेट्स मैंने इस तरह से सेट किए हैं कि राइट साइड में सारे कॉटन के हैं और लेफ्ट साइड में सारे सिल्क ब्लेंड। कुर्तीज के ठीक नीचे लेगिंग्स ताकि मैचिंग निकालना आसान हो। मेरे पास और भी विंटर वेयर्स हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के कोट्स, जैकेट्स और डेली वेयर एक दूसरे कबर्ड्स में सेट है, इसलिए यहाँ पर बाकी के बचे हुए विंटर वेयर्स को मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और लास्ट सेक्शन है एथनिक वेयर का। हमेशा कुछ स्पेस फ्री जरूर छोड़िए ताकि एक्स्ट्रा स्टफ डंप करने में हेल्प हो। डोर्स को भी आप हमेशा यूटिलाइज कीजिए। मेरे डोर्स में ज्यादा स्पेस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने सारे बेल्ट्स को हैंग कर दिया है। दूसरे डोर पर कुछ कमांड हुक्स लगाकर छोटे छोटे बैग्स को हैंग कर देंगे। मार्केट में कई सारे वार्डरोब फ्रेशनर्स भी आते हैं। वो सैशे होते हैं जिन्हें आप इजीली अपनी कबर्ड में हैंग कर सकते हैं, पर देसी जुगाड़ है कपूर। मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ, ट्राई करके जरूर देखिए, अलमीरा खोलते ही वो एकदम महक उठेगी। जब भी हम अपने घर का कोई भी सेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे डीक्लटर जरूर कीजिए, और ऐसा ही कुछ किया मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते समय। कुछ कपड़े ऐसे निकले जिन्हें मैं ऑल्टर करके रीयूज कर सकती थी, तो उन्हें मैं ऑल्टर करवाऊंगी और बाद में पहनूंगी ताकि वेस्टेज ना हो। और कुछ ऐसे कपड़े जिनमें ऑल्टर की गुंजाइश नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या थोड़े से खराब हो गए हैं, उन्हें मैं डोनेट कर दूंगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल रिवील। घर का कोई भी कॉर्नर क्यों ना हो, उसे क्लटर्ड देखकर हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन हो या फिर वार्डरोब, हमें खुशी देने के साथ साथ मेंटल पीस भी देता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो से जुड़े सवाल और सुझावों का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी को जरूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।